अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है लास्ट वाला पैराग्राफ आप लोगों का। पेज नंबर है आप लोगों का 51, पैराग्राफ नंबर है 7। स्टूडेंट्स के जो वर्ड्स सेंटेंसेस है वो हम लोग पिछले रीडिंग में वही कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा वही सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं। चेक का मतलब होता है चेक फॉर जायजे के लिए, ठीक है, चेक फॉर जायजा लें। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक फॉर बखूर जायजा लें। द ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए, इफ़ अगर, इफ़ ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस आपका। यू हैव टू क्रॉस, स्टूडेंट्स अगर आपका हैज़ टू, हैव टू और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये सेंटेंसेस आप लोग मजबूरी या ज़रूरी के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आपको स्कूल की फ़ीस जमा करवाना पड़ती है, तो ये आप लोगों की मजबूरी है और ये ज़रूरी भी है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपकी मजबूरी या ज़रूरी के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप लोग हैज़ और हैव, जब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हैज़ और हैव साथ, हैव टू, हैज़ टू साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर पास्ट में कर रहे हैं तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये किस तरह आया है कि इफ़ यू हैव टू क्रॉस, अगर आपको पार करना पड़ती है, करना पड़ती है द रोड सड़क। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, अगर आपको सड़क पार करनी है तो ट्रैफिक का बखूर जायजा लें। रिमेंबर टू याद रखिए, रिमेंबर टू याद रखिए, टू लुक राइट दाएं तरफ देखिए, लेफ्ट बाएं तरफ एंड राइट अगेन और दोबारा दाएं तरफ, ठीक है। बिफोर पहले, यू क्रॉस जब आप लोगों ने पार करनी है, तो यहाँ क्या है, बिफोर पहले, यू क्रॉस पार करने से पहले। रिमेंबर टू लुक राइट लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस, पार करने से पहले क्या चीज़, सड़क पार करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ और दोबारा दाएं तरफ देखना है और उसके बाद आप लोगों ने सड़क क्रॉस करने की, आप लोगों ने बातें जो है वो जहन में रखनी है, याद रखनी है। रिमेंबर टू याद रखे कि जब आप लोग सड़क पार कर रहे हैं तो पहले आप लोगों ने दाएं तरफ देखना है, फिर बाएं तरफ देखना है और दोबारा दाएं तरफ देखना है और फिर उस सड़क पार करनी है आप लोगों ने। डोंट क्रॉस द रोड, सड़क पार मत करें। फ्रॉम से, ये आपका प्रीपोजिशन वर्ड है, फ्रॉम द फ्रंट साइड आगे से या सामने से, आफ्टर बस, बस के सामने से, कहते बस के सामने से या बस के आगे से सड़क पार मत करें। और या वेट, इंतज़ार करें फॉर इट, इसका, टू मे मूव अवे, दूर चले जाने का, क्या है, बस के आगे से सड़क पार मत करें या इससे चले जाने का इंतज़ार करें। स्टूडेंट्स ये आप लोग का पैराग्राफ था, इसका रीडिंग क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज थिंग्स यू डू वाइल गेटिंग ऑफ, बस से उतरते वक्त, गेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरते वक्त। ये देखिए बस से जो बच्चे उतर रहे हैं, चिल्ड्रन उतर रहे हैं, बच्चे जो उतर रहे हैं बस से, गेटिंग ऑफ बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, गेटिंग ऑफ। तो क्या पूछा गया है, बस से उतरते वक्त आप इन चीज़ों में से किन की पाबंदी करते हैं। ये जो पैराग्राफ में आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं, आप इनमें से किस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आप लोगों ने ये करने से पहले आप लोग अपने वर्ड्स मीनिंग देखें। वर्ड्स मीनिंग में है चेक, बखूर जायजा लें, क्रॉस पार करना, रिमेंबर याद रखिए, फ्रंट साइड सामने की तरफ या आगे से, वेट इंतज़ार, टू मूव अवे चले जाने का। नीचे हमने क्वेश्चन किया था, विच ऑफ दीज थिंग्स यू डू वाइल गेटिंग ऑफ, तो इसका क्या था, आई फॉलो, मैं फॉलो करता हूँ ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों को, वाइल जबकि, गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतरने, जब मैं बस से उतर रहा हूँ तो मैं इन तमाम चीज़ों को फॉलो करूँगा। किन चीज़ों को, जो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में पढ़े हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें ट्रैफिक का बखूर ज़्यादा लेना चाहिए सड़क पार करने से पहले। और ये बातें आप लोग को जहन में रखनी है कि आप लोग जब रोड क्रॉस कर रही हो सबसे पहले आप लोगों ने दाएं तरफ देखना है, फिर बाएं तरफ देखना है और दोबारा दाएं तरफ देखना है और फिर आप लोगों ने सड़क पार करनी है। और एक आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि आप लोगों ने बस के आगे से नहीं गुजरना है, आप इसका इंतज़ार करें या बस के चले जाने का इंतज़ार करें। ये आप लोगों का रीडिंग क्वेश्चन था और ये आप लोग वर्ड्स मीनिंग के, इसके साथ आप लोगों ने ग्लॉसरी वर्ड करने हैं। ग्लॉसरी वर्ड्स के आप लोगों ने ये जो मीनिंग्स हैं इसके आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इसके मीनिंग्स देख लीजिए। आपने सबसे
पहले तो वर्ड करना है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है होशियार रहना, चुकन्ना रहना। इसको क्या करेंगे हम, वॉचफुल। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान, द कमांडर। डिसेबल्ड मजदूर, एंडी हैंडीकैप्ड, क्या बोलेंगे, हैंडीकैप्ड। पैसेंजर्स मुसाफरों, ट्रेवलर्स। सेंसिबली अकलमंदी से ये शहूर या अकलो शहूर। विद गुड सेंस, थ्रेटनिंग ड्रोना या ड्राना, वार्निंग। ये आप लोग ग्लासी वर्ड से आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ किया वो था। इसके साथ आप लोग डायरी मेंशन करें, पेज नंबर 51 पे ट्रांसलेशन प्लस रीडिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लर्न करना है। उसके बाद पेज नंबर 62 पे जो ग्लासी वर्ड है वो आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और ये आप लोगों ने राइट भी करने हैं।